अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडिडेट्स इस चीज को जानने में भी जिज्ञासु हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन हो गया या नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है आपकी डेट्स 18 से 24 जनवरी हैं, आपका जो बैटल है उसकी तिथि 18 से 24 जनवरी है। तो 18 को अगर कोई एग्जाम होता है, वहीं कोई एग्जाम अगर 24 को होता है और दोनों शिफ्ट्स का डिफिकल्टी लेवल में अंतर आता है, 18 को जो बंदा बैठा उसको इजी पेपर मिला, 24 वाले को बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आया, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो उस चीज को इक्वलाइज करने के लिए ये जो प्रोसेस है सभी लोगों तक पहुंच भी गया है। अग्निवीर में नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो एक फॉर्मूला है, इस टेस्टिंग फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा उस पे हल्का नजर हम लोग दौड़ाएंगे आज, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, इसके नीचे बहुत भारी भरकम भाषा का यूज किया गया है इंग्लिश में, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे ये जो आपके मार्क्स लिखे हुए हैं MIJ, ये आपके आई शिफ्ट में बैठने वाले जे कैंडिडेट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये स्कोर आपका रो स्कोर तो नहीं है, ये स्कोर आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका स्कोर बनता है वो आएगा। अब ये जो MT लिखा हुआ है, टी मींस होता है टॉपर, जितने भी शिफ्ट्स हुई हैं उनमें बैठने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितना टोटल कैंडिडेट एग्जाम देगा उनका 0.1% टॉपर का एवरेज मार्क्स है। टॉपर 0.1%, 0.1% का मीन 1/1000। सपोज करो 10 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, ठीक है, तो 1000 जो कैंडिडेट हैं 0.1% है ऑफ द टॉपर्स, ठीक है, 1000 टॉप बंदों का एवरेज स्कोर। यहां पे जो MQG लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर द एग्जामिनेशंस, उनका एवरेज स्कोर है, यानी कि जितनी भी शिफ्ट्स आपके एग्जाम में होंगी उन सभी में बैठने वाले टोटल कैंडिडेट का एवरेज स्कोर है। 0.1% ऑफ द टोटल उनका एवरेज स्कोर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितना आपका बैठता है उसका एवरेज स्कोर। अब नीचे अगर मैं MTI आऊं तो आई तो आपका शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट में जितने कैंडिडेट्स बैठेंगे उनका 0.1% वही 1/1000 उनका 0.1% का एवरेज स्कोर। और MIQ की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी शिफ्ट्स में बैठने वाले सभी कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर, ठीक है, ये टॉपर्स का एवरेज स्कोर, ये जितने भी आपकी आई शिफ्ट में कैंडिडेट बैठे हैं उनका एवरेज स्कोर। अब अगर MIJ की बात करूं तो ये इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका रॉ स्कोर, रॉ स्कोर इजी शिफ्ट है, बहुत अच्छा स्कोर आ गया, मॉडरेट शिफ्ट है तो एक मध्यम लेवल पे आके अटक गए, और अगर डिफिकल्ट फंस गया तो डंप्स हो जाएंगे, बहुत कम स्कोर आपका आएगा, लेकिन वो सारा का सारा स्कोर रो स्कोर है। इसके बाद ये फिर से ये डम है MIQ, आपकी शिफ्ट्स में बैठने वाले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर। और लास्ट में अगर MQGM की मैं बात करूं, जितनी भी शिफ्ट्स होंगी आपके अग्निवीर के एग्जाम में उनमें से इजिएस्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर। मैंने क्या बोला, इजिएस्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर। अब इसमें आप कुछ भी फिगर्स रख सकते हैं और अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। फायदा किन लोगों को होता है, फायदा देखिए उन लोगों को होता है जो इस डिफिकल्टी लेवल को फेस करते हैं। 18 को आपको इजी मिल गया तो आपका फायदा है, 24 वाले को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा उसके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो स्कोर को इक्वलाइज करने के लिए इसमें अगर आपके 36 मार्क्स हैं तो बढ़ के 42 हो सकते हैं, यही एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं है। कुछ केसेस में अगर इजी शिफ्ट है तो स्कोर्स आपके कम भी होते हैं, ठीक है, जैसे रेलवे और बैंकिंग का तो ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन SSC के नॉर्मलाइजेशन में अगर इजी शिफ्ट में आपका स्कोर एवरेज स्कोर से कम है तो आपके मार्क्स माइनस में भी गए हैं, ये क्वाइट विजिबल फैक्ट है, ठीक है। तो नेगेटिव भी स्कोर जा सकता है, लेकिन A4 के एग्जाम में बिकॉज आपका टोटल स्कोर जो है वो 70 या 50 है ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई रेस्पेक्टिवली, तो इसमें आपका माइनस में जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये माइनस फैक्टर काम करेगा आपके स्कोर को डिक्रीज करने में। तो कुछ भी अप्लाई हो सकता है, आपका स्कोर अगर इजी शिफ्ट में ज्यादा है तो उसको डिडक्ट भी कर सकते हैं, टफ शिफ्ट में अगर कम है तो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन मेरा ख्याल है स्कोर को इक्वलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस कैंडिडेट के साथ अनफेयर होता है एग्जाम में शिफ्ट्स के ऊंच नीच होने से, तो उसको ये एक राहत प्रदान करता है। तो यही एक सिंपल सा फॉर्मूला था जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे, जितना भी पूरा कॉम्प्लिकेटेड भाषा लिखा हुआ है इसके अलावा मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में बताया है।
तो बस इसको आप देख लीजिए और इसमें अपना टफ शिफ्ट, इजी शिफ्ट, आपकी शिफ्ट के टॉपर्स के स्कोर्स और अपना रो स्कोर, आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 0.1% टॉपर्स ऑफ योर शिफ्ट उनका एवरेज स्कोर और इजी शिफ्ट का एवरेज स्कोर रख के प्लस माइनस करके आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं होगा क्योंकि आपके पास तो पूरा डाटा है ही नहीं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है वो भारतीय वायुसेना के पास है, सीएसबी के पास है। तो दोस्तों ये आपका हेडक है ही नहीं, आपका हेडक है पढ़ना अच्छे से। शिफ्ट है, टफ है, कोई बात नहीं है, लड़ना तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो लड़ते रहिए। चाहे शिफ्ट आपका इजी है चाहे टफ है, ये एक जो बैरियर था कि सर जितने मार्क्स आ गए अब उतने ही रहेंगे, हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज को दूर करने में बहुत सहायक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, समझने वाले समझ गए होंगे, बाकी सभी लोग जो है वो मेहनत करते रहें। बैटल का आगाज हो चुका है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको पता है 23 तारीख है।